ਵਿਧਾਨਸਭਾ 2022 ਚੋਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰਨ ਰਾਜੂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ। मीडिया सामने डॉक्टर एस करुण राजू ने दावा किया कि चोणा दे प्रबंध पारदर्शी होणगे। उन्होंने इस मौके वड्डा दावा किया कि एसजीएम अपने इलाके विच रहिंदे 80 साल बुजुर्ग अते अपाहिज लोकां दा वेरवा इकट्ठा करनगे ताकि इन्हां लोकां दी वोट पोर्टल राही घरों ही पवा ली जावे ताकि इन्हां लोकां नूं कोई दिक्कत ना आवे। चोण कमिशन दे इस फैसले ते कुछ लोकां ने स्वागत किया। उत्थे ही इस सिस्टम ते सवाल खड़े किए गए, किते कोई गड़बड़ तां नहीं? फिलहाल सवाल वड्डे ने, तुसी इस बारे की सोचते हो? जवाब कमेंट के रूप में भेजो ते नाल ही स्टोरी नु शेयर करके शान पंजाबी चैनल नु सब्सक्राइब करो। आज मैं इत्थे गुरदासपुर अते पठानकोट दी इलेक्शन प्रिपेयरनेस दी मीटिंग लेने वास्ते आए सी। इस मीटिंग दे विच डीसी साहिबान, एसएसवी साहिबान और ईआरओस जिहड़े भी आने वाले समय दे विच आरओस बनणगे, आरओ मीनस रिटर्निंग आफिसर, नाल ही नाल उन्हां दा एक टीम है, ये AERO1 AERO2 और इस सारी टीम दी मैं रिव्यू करने वास्ते इत्थे आए सी। पठानकोट अते गुरदासपुर दी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है और एक आध जगह और थोड़ा सा परफॉर्मेंस इंक्रीज करने दी लोड़ है। डीसी साहब ने मैनू आश्वासन दे दिया, एश्योरेंस दे दिया, आने वाले एक दो दिन में कंप्लीटली जितना भी साडा रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करेंगे। और स्वीप एक्टिविटी, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन फॉर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, जेडे भी हमारा बूथ लेवल पे होना है कार्रवाई, बूथ में वोटर्स दी अवेयरनेस वास्ते, उन्होंने जागरूक करने वास्ते जिन्ना भी एक्टिविटीज़ होना है, हमारे आरओस जेडे भी एसडीएम साहिबान, डीडीपीओ साहिबान, बीडीपीओ साहिबान, सब लोग मिलके बूथ लेवल में अपना अभी अवेयरनेस कार्रवाई करेंगे, अवेयरनेस एक्टिविटीज़ करेंगे। बीएलओ साहिबान अपना दोनों जिला दे विच टोटल बूथ्स दी डेटा, खास करके लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड इंटरनेट पर अपलोड कर रहे हैं। इस इंटरनेट का नाँ है ईआरओ नैट, जो जेडे भी ईआरओ नैट की मतलब है, उससे पूरा साडा इलेक्शन संबंधी रिलेटेड इश्यूज़ का पूरा वेरवा रहता है, वोटर्स की वेरवा रहता है, बूथ्स का वेरवा रहता है, उत्ते एश्यूड मिनिमम फैसिलिटीज़ का वेरवा रहता है। यह सारी डिटेल डिजिटाइजेशन करते हुए बीएलओ साहिबान 100% बीएलओस साडा जिले की पठानकोट अते गुरदासपुर का डेटा ईआरओ नैट से अपलोड कर रहे हैं। आज 3-4 कंस्टेंसीज में हल्का सा परफॉर्मेंस कट सी, मैनू अश्योरेंस मिला है कल तक ये काम हो जाएगा। बहुत वधिया गल तुसी मैनू पूछिया सी, ये वोटर्स दी जानकारी है और बूथ दी जानकारी भी है। हो सकता है नवा बूथ कुछ बनिया हुआ साडा जिले दे विच, इस तो पहले जेडे पार्लियामेंट इलेक्शन होया सी उस समय में पूरा स्टेट दे विच 23,211 सी, हुण जेडे भी असेंबली इलेक्शन होना है अपना 2022 दे विच, उस वेले जेडे भी पोलिंग बूथ दी संख्या है, गिणती है, हल्का सा वध गया है। जेडे भी बूथ दी संख्या गिणती वध गया है, उस बूथ का डिटेल जो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जेडे भी तुहाडा मोबाइल दे विच रहिंदा है, उत्थे जाके उसका लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड होने तो बाद की होंदा है, इलेक्शन दी वेले कोई भी वोटर इस बूथ दी बारे में जानकारी ले सकते हैं, उत्थे लोग किन्ने ने, वोटर्स ने, मैं किस वेले जा सकता हूँ, या मेरा बूथ दे ठीक ठाक उसे बनया हुआ है, ये सभी डिटेल्स उत्ते मिलता है। ये जानकारी हुण ईआरओ नेट से पाई जा रहे हैं और नाल ही नाल वोटर्स दी पूरा जानकारी, नवा वोटर जेडे भी 18-19 साल दी उम्र जेडे भी उन्होंने असी यंग वोटर्स कहंदे ने, फर्स्ट टाइम वोटर्स, नाल ही नाल परसनस विद डिजेबिलिटीज, दिव्यांग वोटर्स ने साडा जिले दे विच, पठानकोट जिले दे विच जिन्ना भी दिव्यांग वोटर्स अते वोटर्स विद ओल्ड एज है ना, 80 साल से उम्र उपर, उन्होंने असी पोस्टल बैलेट की सुविधा देने जे जा रहे हैं। अगर वो करीची रह के वोटिंग करना चाहते हैं पोस्टल बैलेट की सुविधा, इस तो पहले असी कर्मचारी जेडे भी इलेक्शन दे विच जेडे भी कर्मचारी का ड्यूटी लगता है उन्होंने ये पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी दी जाती सी, वही सेम सुविधा सेम ये फैसिलिटी अपना 80 ईयर्स से ऊपर जेडे भी अपना वोटर्स हैं और परसनस विद डिजेबिलिटीज़ जे दिव्यांग वोटर्स उन्होंने भी असी देने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का खास करके इस इलेक्शन वास्ते
इस वोटर्स नू एक फैसिलिटी दी गई है। ये सारी डिटेल्स इस मीटिंग दे विच काफ़ी डूंगाई दे नाल चर्चा हुई है, विचार वटांदरा हुई है। जिते भी काम करन दी लोड़ है, साहिबान इलेक्ट अपना अफसर साहिबान मैनू यकीन दिलाया है, और आने वाले एक आध हफ्ते के बाद फिर मैं आके बूथ वाइज दी जानकारी रिव्यू करूँगा। बैलेट बहुत चंगा प्रश्न सी तुहाडा, क्योंकि हुण जिहड़े भी अज दा मीटिंग होया सी उस मीटिंग दे विच एक इंपॉर्टेंट एजेंडा पॉइंट ये सी, जिहड़े भी बूथ दी एक बूथ एरिया दे विच एक दो तीन जिहड़े भी अपना इस तरीके वोटर्स रहिंदे उन्हां दी फ्लैग किया जाएगा। उन्हां नूं फ्लैग करके SDM साहिबान उत्थे ERO जिहड़े भी इलैक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर हैं उन्हां दा लिस्ट विच रहिंदा है, उन्हां नूं कॉन्टैक्ट किया जाएगा और उन्हां नूं पुछा जाएगा कि तुहानूं तुसीं वोट पाउण वास्ते बूथ दे विच जाना चाहुंदे हो या तुहानूं असी कोई होर कोई इंतजाम करके दे, उन्हां दा पूरे डिटेल्स असी लेवांगे। इस एंटायर एक्सरसाइज इस करके कीती जा रही है। नहीं, ये वैबसाइट पहले से ही लॉन्च है, ये पोर्टल है साडा ERO नेट, ये ऑल इंडिया वास्ते है, ये पूरा सारिया स्टेटां दी वोटर्स दी जानकारी उत्ते रहिंदी है, पूरा सिक्योर्ड इन्फॉर्मेशन है। इस करके अपना हर एक ERO दी कोल अपन लोग ऑपरेटर्स रखे हुए हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल ते प्रोग्रामर्स ने, असिस्टेंट प्रोग्रामर ने, बहुत ही सिक्योर्ड सिस्टम है ये, और 1 तारीख नु असी ड्राफ्ट रोल प्रकाशन करने जा रहे हैं। हाँ जी, ये एक्सरसाइज होनी यही जा रहा है, अपना 1 महीने पूरा यही एक्सरसाइज करना है, अपना नवंबर दी पूरा ये असी पिंड पिंड जाके वोटर एरिया दी बूथ एरिया दी जाके लोगों को दसांगे तुहाडा नाम है, उत्थे जाके BLO साहिबान दे 2 कैंप्स होणगे, मेरे ख्याल से 1st वीक में एक कैंप है, फिर 3rd वीक में एक कैंप है, उत्थे BLO साहिबान बूथ दे विच बैठणगे जाके, उत्थे वोटर लिस्ट लेके वो कोई भी जाके पूछ सकते हैं उन्हों का वोट कटिया है या जोड़िया हुआ है, उन्हों का नाँ दे विच कोई कोई कमी पेशी है, फोटो ठीक है नहीं है, ये सारी डिटेल्स उत्ते मिल सकते हैं उन्होंने। कोड छोड़ो, अभी अपना तैयारियां हैं, वो इलेक्शन कमीशन दी काम है, अभी साडा काम है पूरा मुकम्मल इंतजाम करन दी, हर एक कदम चकना है, वोटर रोल तैयारी करना है, प्योर वोटर रोल चाहिए, उस दे विच कोई कमी नहीं होना चाहिए, इस फेज चल रहा है, उस तो बाद असी देखेंगे जिमें जिमें असी इलेक्शन की तरफ जावेंगे, मैं तुहानू हर समय अपडेटेड जानकारी देते रहांगा। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान, सारियां थावां तो निराश अते मायूस होण वाले, एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे ओवें होवेगा, इट्स माय प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट्स, ओपन चैलेंज, इल्मां दे माहिर, A to Z समस्यावां दा हल फोन ते ही घर बैठे करवाओ, वशीकरण अते मुटकरनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी, अस्टाम पेपर्स में सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी प्रमोशन कारोबार दे विच परेशानी, घर च झगड़ा काटो देश तलाक प्रॉपर्टी झगड़ा पति पत्नी दे विच अनबन जादू टोना मनमोहनी वशीकरण करवाओ जां फिर तुड़वाओ रुसे नु मनाउणा हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98 118 95 590।